In this video, we will discuss the part 2nd of most important multiple choice questions about phylum Annelida, which comes in different competitive exams of biology. लिहाजा आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना है ताकि ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह तैयार हो जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन क्लास पोलिकिटा? नेरिस, एरेनिकोला, सबेला, ऑल ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नेरिस, सबेला एज वेल एज एरेनिकोला। दीज थ्री ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू क्लास पोलिकिटा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 42, न्यूकल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन क्लास पोलिकिटा, ओलिगोकिटा, हिरोडिनिया, नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, न्यूकल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन क्लास पोलिकिटा एंड दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट फूड पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 43, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट इन एनालिड्स इज अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, none of these। so correct answer is option a, like other invertebrates nitrogenous waste product in annelids is also present in the form of ammonia। question 44, which is not example of class oligokita? tubifix, earthworm, lumbricus, leeches। so correct answer is option d, leeches is not an example of class Oligokita, rather it is present in class Hirudinea। Question 45, chloragogan tissues are present in class Polychaeta, Oligokita, Hirudinea, none of these। So correct answer is option A, chloragogan tissues are present in class Polychaeta। Chloragogan tissues are functionally similar with vertebrates liver, they are used to store glycogen as well as they also neutralize different toxins and they are present in ciliumic fluid of annelids। next question ki taraf jaane se pehle meri aap se darkhwast hai ki agar aapne abhi tak is channel ko subscribe nahi kiya to please subscribe kar le, aur agar aapne phylum annelida ka part 1 nahi dekha to uski video ka link maine description mein de rakha hai, aap usko bhi देख लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, क्लाइटैलम इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, फेरोमोन्स, कोकोन, ए एंड सी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्लाइटैलम इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस एज वेल एज इट इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कोकोन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन 47, व्हाट इज द क्लास ऑफ लीचेस एंड एकेंथोपडेला? क्लास पोलिकिटा, क्लास ओलिगोकिटा, क्लास हिरोडिनिया, नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्लास हिरोडिनिया कंटेन ऑर्गेनिजम्स लीचेस एंड एकेंथोपडेला। क्वेश्चन 48, द ब्रीडिंग सीजन ऑफ लीचेस इज समर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, विंटर सीजन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्प्रिंग सीजन इज द ब्रीडिंग सीजन ऑफ लीचेस। क्वेश्चन 49, ओलिगोकिटा एंड हिरोडिनिया आर प्लेस्ड इन सिंगल ग्रुप नियोडर्मेटा, आर्कियोफोरा, क्लाइटेलेटा, ट्राइलोबाइटा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्लास ओलिगोकिटा एंड हिरोडिनिया आर प्लेस्ड इन सिंगल ग्रुप नॉन एज क्लाइटेलेटा बिकॉज दे बोथ दीज क्लासेस कंटेन क्लाइटेलम। क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स राइज टू द लीचेस? मैरिन पोलिकेट, फ्रेश वाटर ओलिगोकेट, फ्रेश वाटर पोलिकेट, ट्रेस्ट्रियल ओलिगोकेट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रेश वाटर ओलिगोकेट गिव्स राइज टू द लीचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगेन मेरी आपसे दरख्वास्त है
कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर दें। क्वेश्चन 41, प्रोस्टोमियम इज़ अ बॉडी कैव सेगमेंट प्रेजेंट इन क्लास पोलिकीटा, क्लास ओलिगोकीटा, क्लास हिरोडिनिया, नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोस्टोमियम इज़ अ बॉडी सेगमेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन क्लास पोलिकीटा। क्वेश्चन 52, बॉडी कैविटी और सिलोम प्रेजेंट इन एनालिड्स इज सीडोसील, शाइजोसील, एंटीरोसील, मेटासील। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द बॉडी कैविटी और सिलोम प्रेजेंट इन एनालिड्स इज शाइजोसिलोम और शाइजोसील। क्वेश्चन 53, पाल्प्स एंड टेंटिकल्स आर एब्सेंट इन द हेड रीजन्स इन केस ऑफ पोलिकीटा, ओलिगोकीटा, हिरोडिनिया, बोथ ए एंड बी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्लास हिरोडिनिया हैव नो पाल्प्स एंड टेंटिकल्स इन द हेड रीजन। क्वेश्चन 54, हाउ मैनी एनुलाई आर प्रेजेंट इन ईच बॉडी सेगमेंट ऑफ लीच, 2 to 16, 8 to 12, 5 to 7, 20 to 23। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 2 to 16 एनुलाई आर प्रेजेंट इन ईच बॉडी सेगमेंट ऑफ लीच। क्वेश्चन 55, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन नाइडेरियन, टर्बिलेरियन, एनालिड्स, स्पंजेस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन एनालिड्स। क्वेश्चन 56, पैरापोडियल ब्लड वेसल इज प्रेजेंट ओनली इन पोलिकीटा, ओलिगोकीटा, हिरोडिनिया, बोथ ए एंड बी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पैरापोडियल ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन ओनली इन क्लास पोलिकीटा एंड इट सप्लाइज ब्लड टू द लेटरल अपेंडिजेस विच आर नोन एज पैरापोडिया। क्वेश्चन 57, एनालिड्स हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेप्ट क्लास पोलिकीटा, क्लास ओलिगोकीटा, क्लास हिरोडिनिया, नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एनालिड्स हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेप्ट क्लास हिरोडिनिया बिकॉज हिरोडिनिया कंटेन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्वेश्चन 58, विच पोलिकेट फैमिली रिस्पायर्स थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, अरेबिडिलिडी, कैपिटिलिडी, सेबिलेरिया, फाइलोडोसिड्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कैपिटिलिडी इज द फैमिली ऑफ पोलिकेट दैट रिस्पायर्स थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। क्वेश्चन 59, डॉर्सल सीरस इज मोडिफाइड टू फॉर्म गिल्स इन स्कोलीलेपिस, कैपिटिलिडी, सेबिलेरिया, बोथ ए एंड सी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डॉर्सल सीरस दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन, लॉन्ग एक्सटेंशन, एंड दे फॉर्म गिल्स इन फैमिली स्कोलीलेपिस एज वेल एज सेबिलेरिया। सो करेक्ट आंसर मस्ट बी ऑप्शन ए एंड सी। क्वेश्चन 60, सीरीफॉर्म गिल्स आर प्रेजेंट इन नोथ्रिया, यूनाइस, मारफाइसा, बोथ बी एंड सी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सीरीफॉर्म टाइप ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट इन नोथ्रिया। क्वेश्चन 61, पैक्टिनेट गिल्स आर प्रेजेंट इन डायोप्ट्रा, यूनाइस, मारफाइसा, बोथ बी एंड सी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पैक्टिनेट गिल्स आर प्रेजेंट इन क्लास यूनाइस एज वेल एज मारफाइसा। सो करेक्ट आंसर मस्ट बी बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन 62, स्पाइरली ब्रांच्ड गिल्स आर प्रेजेंट इन मारफाइसा, डायोपेट्रा, नोथ्रिया, एम्फीट्राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्पाइरली ब्रांच्ड गिल्स आर प्रेजेंट इन डायोपेट्रा। क्वेश्चन 63,
गिल्स आर प्रेजेंट इन बॉडी सेगमेंट्स इन विच ऑर्गेनिजम्स डायोपेट्रा नॉथड़िया एम्फीट्राइड सिरेटुलिड सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एम्फीट्राइड कंटेन गिल्स दैट आर प्रेजेंट इन द बॉडी सेगमेंट्स. क्वेश्चन 64. All members of Herodinia respire through general body surface except Pisciculidae, Hemopoidae, Glossophoneidae, Herodinidae. So correct answer is option A. All members of Herodinia respires through general surface body surface except Pisciculidae. Question 65. Copper containing respiratory pigment present in class Polychaeta is hemoglobin, chlorochloroin, hemocyanin, hemerythrin. So correct answer is option C. Copper containing respiratory pigment that is present in class Polychaeta is hemocyanin. Question 66. In Parapodia, the nephridiophore is located on notopodium, neuropodium, mesopodium, none of these. So correct answer is option B. In Parapodia, nephridiophores are located on neuropodium. Question 67. Protonephridia are present only in class Polychaeta, Oligochaeta, Herodinia, both A and B. So correct answer is option A. Protonephridia are only present in class Polychaeta. Question 68. Which of the following have complex eyes and accessory retina? Phyllodocids, glycerids, alcyopids, nephtoids. So correct answer is option C. Alcyopids, which belongs to class Polychaeta, they have complex eyes and accessory retina. In this way, they are similar with cephalopods of mollusk because both have complex eyes and accessory retina. Question 69. Gametes are released through gonoducts in nereids, capitellids, unicids, phyllodocids. So correct answer is option B. Gametes are released through the gonoducts in capitellids. Question 70. Gametes are released through the nephridia in which organisms? Nereids, capitellids, unicids, phyllodocids. So correct answer is option D. Gametes are released through the nephridia in case of phyllodocids. Question 71. Gametes are released from the rupture of body valve in nereids, capitellids, unicids, both A and C. So correct answer is option D. Gametes are released from the rupture in the body wall in nereids as well as unicids. So correct answer is option D. Question 72. Nuchal organs of class Polychaeta acts as chemoreceptor, electroreceptor, thermoreceptor, mechanoreceptor. So correct answer is option A. Nuchal organs of class Polychaeta acts as chemoreceptor and they are used to detect food particle. Question 73. Trochophore larval stage is present only in class Polychaeta, Oligochaeta, Herodinia, all of these. So correct answer is option A. Trochophore larval stage is only present in class Polychaeta. Question 74. Active burrowers belongs to which class? Polychaeta, Herodinia, Oligochaeta, none of these. So correct answer is option C. Active burrowers like earthworm belongs to class Oligochaeta. Question 75. Which class undergoes sexual reproduction only? Class Polychaeta, Herodinia, Oligochaeta, none of these. So correct answer is option B.
क्लास हीरोड इंडिया अंडरगो ऑनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन 76, ऑनली मेंबर ऑफ क्लास हीरोड इंडिया दैट इज हैविंग सिटी इज लीचेस, एकेंथोपडेला, बुनेलिया, लम्ब्रिकस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एकेंथोपडेला इज द ऑनली मेंबर ऑफ क्लास हीरोड इंडिया दैट इज हैविंग सिटी। क्वेश्चन 77, एक्सक्रीटरी ब्लैडर इज प्रेजेंट इन क्लास पोलिकीटा, ओलिगोकीटा, हीरोड इंडिया, ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्सक्रीटरी ब्लैडर एज ए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन क्लास ओलिगोकीटा। क्वेश्चन 78, Protonephridia in case of Polychaeta are present in the form of phloem cells, solenocytes, nephrocytes, nephridiopore. So correct answer is option B, Protonephridia in case of Polychaeta are present in the form of solenocytes. Question 79, pair of tentacles that are present in class Polychaeta are 4 pair, 5 pair, 6 pair, 7 pair. So correct answer is option B, 5 pair of tentacles are present in class Polychaeta. Question 80, which of the following class contain only marine organisms? Class Polychaeta, Oligochaeta, Hirudinea, all of these. So correct answer is option A, Class Polychaeta contains only marine organism. तो ये थे 40 most important questions about phylum Annelida. अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलता रहे।